अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आप इसे अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर टिक लगाना चाहते हैं, यानी कि टिक का निशान लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूँ जिसके साथ साथ आप अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर टिक लगा सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, राइट बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में एक बेल आइकन शो हो जाएगा, तो आपने इसको भी ऑन कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं न्यू लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को एक यहाँ से मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, तो फटाफट आप वीडियो देख लेंगे, तो जिसके ऊपर मैं गोलदायरा लगा रहा हूँ, ये देख लें। हाउ टू मेक फेसबुक नेम अपडेट ट्रिक 2018, ये बिल्कुल वर्किंग कर रही है। तो सबसे पहले आपके पास एक आईडी होनी चाहिए नेम अपडेट के ऊपर, तो इस ट्रिक को देखकर आप जान सकते हैं कि आप अपनी फेसबुक आईडी को नेम अपडेट पे कैसे ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता, तो इसी वीडियो के टाइटल के नीचे आपने एक बार क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी। तो मैं अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करता हूँ अपने यूसी ब्राउज़र में, या कोई भी आप ब्राउज़र ले लें, तो मैं फटाफट अपनी वही फेसबुक नेम अपडेट वाली आईडी को लॉगिन करता हूँ कुछ ही सेकंड में, तो थोड़ा सा वेट कर लें। जी दोस्तों, मैंने अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया, ये देख सकते हैं मोहम्मद कामरान MMM कुछ भी लिखा हुआ है, ये नेम अपडेट पे गई हुई है, आप देख सकते हैं। तो आपने डू नॉट अपडेट पे क्लिक करना है और देन नेक्स्ट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपने उसको ऊपर एक बार क्लिक कर देनी है। तो देन आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन चार ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल फर्स्ट नेम, यूज़र नेम, मिडल नेम और ओके हो गया। नीचे सबमिट का ऑप्शन एक आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ सिंबल्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना प्रूफ ऐड कर लेना है इसी पेज के ऊपर, तो कुछ ही सेकंड में मैं अपना प्रूफ ऐड कर देता हूँ इसी वीडियो में। तो देख सकते हैं कि मैंने अपना प्रूफ ऐड कर दिया है यहाँ पे, जहाँ मैं आपको गोलदायरा लगा के चेक करवा रहा हूँ। तो नीचे आपने फर्स्ट नेम लिख लेना है, कोई भी आपने नाम रख लें जो जिसके आगे आपने टिक लगानी हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ रखने वाला हूँ। यहाँ पर नेम लिखता हूँ, क्या लिखूँ, हारून अली, ओके ये मैंने अपनी तरफ से लिख लिया हारून अली नेम। तो यहाँ आपको एक सिंबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, हारून के आगे आपने एक बार स्पेस लगानी है, देन अली लिख लेना है। अली लिखने के बाद आपने स्पेस नहीं लगानी, तो मैं आपको सिंबल्स दूंगा, वो हो आपने यहाँ पे ऐड करना है। मैं बार बार आपको बता दूं कि आपने अली के आगे स्पेस नहीं देनी, अली को ऐसे छोड़ देना है। तो मैं अपना सिंबल्स कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। इतनी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को 1000 लाइक लाजमी करना फटाफट। तो यहाँ पे मैं अपना सिंबल्स ओके कर लेता हूँ, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सेम इसी तरह। तो यहाँ पे वो टिक का ऑप्शन का आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने फर्स्ट इस टिक के ऑप्शन को ही कॉपी करना है, अदरवाइज़ कोई स्पेस या कुछ और चीज़ नहीं आपने यहाँ पे ऐड करनी। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कॉपी हो जाए, कुछ ही सेकेंड में ये कॉपी हो जाता है। देख सकते हैं कि मैंने अपना सिंबल्स कॉपी कर लिया है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे जहाँ अली का वर्ड ख़त्म हो जाता है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बार बार आपको बता दूँ कि यहाँ आपने मिस्टेक नहीं करनी, बाद में मुझे मत कहना कि भाई मेरी आईडी नहीं क्रिएट हुई या नहीं बनी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना नाम लिखना है, जो भी नाम बनाना है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, जैसा कि मैंने लिखा था हारून आगे स्पेस देन अली और टिक का निशान। तो दूसरे नंबर पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रैकेट वाले सिंबल्स हैं, तो आपने इसको कम्प्लीटली कॉपी कर लेना है।
जो ब्रैकेट के अंदर है वो सिंबल्स आपने कॉपी करने हैं, जो ब्रैकेट के ब्रैकेट जो नज़र आ रही हैं आपको वो ब्रैकेट आपने यहाँ कॉपी नहीं करनी। तो मैं ब्रैकेट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मुश्किल हो रहा है, तो ये कंप्लीट कॉपी हो रही हैं, तो चले मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। और किसी भाई को कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के मुतलक तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ कॉपी साइड पे कोने पे था तो कॉपी नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैं इसको दरमियान में ले आया हूँ, तो यहाँ पे मैं इस सिंबल्स को कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो कुछ ही सेकंड में मैं अपना सिंबल्स कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने फर्स्ट जो यूज़र नेम है मैं इसे कम्प्लीटली ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं हो रहा, मेरे मोबाइल के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो वेल, आप लोगों के मोबाइल में जस्ट आपने ब्रैकेट के अंदर वाला सिंबल्स आपने कॉपी करना है, अदरवाइज आपने कोई सिंबल्स कॉपी नहीं करना। तो यहाँ पे मैं इसको फुल ही कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे काम नहीं बन रहा। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट देख सकते हैं, ओके कर लिया, कॉपी कर लिया। देन आपने अपना वही ब्राउज़र आपने ओपन कर लेना है जिस ब्राउज़र में आप वर्क कर रहे थे। देख सकते हैं यूज़र नेम पे आपने फर्स्ट अपना सिंबल ऐड कर देना है, और ये दोनों साइड पे जो ब्रैकेट हैं ये आपने रिमूव कर देनी है। तो आपने यहाँ पे इस ब्रैकेट को रिमूव कर देना, दोनों साइडों के ऊपर जो ब्रैकेट के ऑप्शन है वो आपने यहाँ से रिमूव कर देने हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो आपने रिमूव कर देने हैं। देन आपने ठीक तरीके से यहाँ से आपने वही ब्रैकेट को रिमूव करना है, सिंबल्स को रिमूव नहीं करना। तो देन आपने अपना जो प्रूफ का नेम है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैं इस दोबारा सिंबल को आल सिंबल को डिलीट करके दोबारा मैं इसको पेस्ट करके ओनली ब्रैकेट को रखूँगा, सॉरी ब्रैकेट को रिमूव करूँगा। तो देख सकते हैं कि मैंने अपना सारा सिंबल्स क्रिएट कर दिया है, देन मैंने पेस्ट किया, ये फर्स्ट ब्रैकेट को रिमूव किया, देन लास्ट वाली ब्रैकेट को ध्यान से आपने रिमूव करना है। तो इस टाइम में कोई आपके साथ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जी दोस्तों, हमारी जो सिंबल्स है वो डन हो चुका है। देन आप लोगों ने अपना जो प्रूफ है उसका नाम आपने सिंपल आके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने जस्ट सबमिट के नीचे हो रहा है वो आपने ऐड कर देना है, सेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने प्रूफ का नाम लिख लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं अपना प्रूफ का नाम लिख रहा हूँ, मोहम्मद कामरान मेरे प्रूफ का नाम है। तो यहाँ पे मैं अपने प्रूफ का नाम ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आपने नीचे, तो यहाँ पे आपने अपना प्रूफ का नाम फुली कम्प्लीटली ऐड कर देना, कोई मिस्टेक नहीं करनी। देन आपने कोई स्पेस नहीं देनी, देख सकते हैं, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट नेम पे आपने अपना जो नाम है जो भी आपने रखना है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, प्रूफ ऐड कर देना है, जो फर्स्ट नेम है वो आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। तो बाकी डिटेल मैं आपको कम्प्लीटली बता चुका हूँ सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आईडी तकरीबन एक घंटे के अंदर अंदर फुली टिक मार्क हो जाए।